बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम जमील अमन समो योर बायोलॉजी टीचर। टुडे वी विल स्टडी एन अदर चैप्टर ऑफ सेकंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज़ चैप्टर नंबर 7। इट इज़ अबाउट सेल साइकिल। अज असा इंटर क्लास जी बायोलॉजी जो एक नओ चैप्टर पढ़ंदासीं, जेको सतो नंबर चैप्टर है, जंहिंजो उनवान आहे सेल साइकिल। हाणे सेल साइकिल छाखे चइबो आहे? अहिड़ो अमल जंहिं दौरान एक इमेच्योर सेल मेच्योर थे, मेच्योर थियण खां पोइ पंहिंजी डिवीजन करे वरी इमेच्योर डाटर सेल ठाहे, इन अमल खे चइबो आहे सेल साइकिल। यानी साइकिल जी माना चक्कर या फेरो, जेका शइ जितां स्टार्ट थिए इख़्तिताम हुन जो साॻी स्टेज ते थिए, इनखे चइबो आहे साइकिल। हाणे इन साइकिल में शुरूआत में जेको हिकिड़ो सेल हूंदो आहे, उहो नंढिड़ो सेल हूंदो आहे, इमेच्योर सेल हूंदो आहे, उहो फीडिंग करे साइज़ में वॾो थींदो आहे, यानी मेच्योर थींदो आहे। ऐं मेच्योर थियण खां पोइ उहो सेल वरी पंहिंजी डिवीजन कंदो आहे, यानी विरासत कंदो आहे। विरासत खां पोइ हुन मां वरी ॿ डाटर इमेच्योर सेल्स थींदा आहिनि। माना स्टार्टिंग में इमेच्योर सेल हुयो, एंड में बि इमेच्योर सेल मिलिया, तंहिंजे करे हिन जो नालो रखियो आहे असां सेल साइकिल। हाणे ओवरऑल जेका सेल साइकिल आहे, इन में हिकु सेल जा ॿ फेसिस थियनि था ज़िंदगी जा। हिकिड़ो फेस उहो आहे जंहिं दौरान उहो सेल नंढिड़े मां वॾो थो थिए, इमेच्योर मां मेच्योर स्टेट में थो अचे। ऐं ॿियो फेस उहो आहे जंहिंमें इहो मेच्योर सेल पंहिंजी डिवीजन करे इमेच्योर डाटर सेल थो ठाहे। लिहाज़ा ॿ स्टेजिस आहिनि सेल साइकिल जूं। उन मां पहिरीं स्टेज खे चइबो आहे इंटरफेस आर नॉन डिवीजन फेस, ऐं उनजो जेको ॿियो अमल आहे उनखे डिवीजन फेस या माइटोटिक फेस चइबो आहे। हाणे इंटरफेस या नॉन डिवीजन फेस, ही अहिड़ो फेस आहे, ख़ुदि इहो फेस पंहिंजे नाले मां ज़ाहिर थो करे, नॉन डिवीजन माना हिन में का बि जीवगढ़ जी विरासत न थींदी आहे, जीवगढ़ जी विरासत न थींदी आहे। बाक़ी छा थींदो आहे, इन में सेल इमेच्योर मां मेच्योर थींदो आहे, माना उनजी साइज़ वधंदी आहे। हाणे क्वेश्चन इहो आहे त सेल इमेच्योर मां मेच्योर छो थो थिए? एक्चुअली सेल खे ॿ पार्ट हूंदा आहिनि। हिकु सेल जो फ्लूइड न्यूक्लियस जे अंदरि आहे, जंहिंखे न्यूक्लियोप्लाज़म चइबो आहे, जंहिंमें न्यूक्लियर मटीरियल एम्बेडेड हूंदो आहे। ॿियो साइटोप्लाज़म आहे, जंहिंमें केतिरा ई ऑर्गेनेल हूंदा आहिनि। त न्यूक्लियोप्लाज़मिक कंटेंट ऐं साइटोप्लाज़मिक कंटेंट जेका हूंदी आहे, उहा सेल जे अंदरि डबल थींदी आहे। जॾहिं सेल जे अंदरि न्यूक्लियर मटीरियल ऐं साइटोप्लाज़मिक मटीरियल डबल थी विया, त सेल जो वॉल्यूम डबल थींदो आहे। हाणे क्वेश्चन इहो आहे त सेल जो वॉल्यूम डबल थी वियो, यानी सेल मेच्योर थी वियो। सेल पंहिंजो इनर कंटेंट डबल छो कयो आहे? एक्चुअली हिकु सेल मेच्योरेशन दौरान छा कंदो आहे, इट फीड्स, पहिरियां उहो गिज़ा खाईंदो आहे। गिज़ा न सिर्फ़ु उनजे सेल्स खे एनर्जी ॾींदी आहे, पर जानदार जे सेल्स में गिज़ा अची करे उनजे कॉम्पोनेंट खे ठाहिण में हेल्प कंदी आहे। मिसाल जे तौर ते सेल जे अंदरि DNA मौजूदु आहे। पहिरियां हिकु नंढिड़ो सेल आहे, उन में DNA जो अमाउंट थोरो आहे। जॾहिं उहो मेच्योर थींदो आहे, त उहो पहिरियां वारे DNA जे कंटेंट खे डबल कंदो आहे। हाणे DNA खे डबल करण जे लाइ उनखे मटीरियल खपनि। उहे मटीरियल काॾां आणींदो आहे? उहे मटीरियल फूड मां हासिलु कंदो आहे। यानी फूड जेको आहे उहो ॿाहिरां खां अंदरि अचे, सेल जे इनर कंटेंट खे डबल करण में हेल्प थो करे। फूड वारा कॉम्पोनेंट यानी मालिक्यूल्स सेल जी DNA खे रिप्लीकेट कंदा, ऑर्गेनेल जो अमाउंट वधंदो, साइटोप्लाज़म न्यूक्लियोप्लाज़म कंटेंट जॾहिं डबल थी वेंदो, त सेल जो वॉल्यूम डबल थी वेंदो। हाणे जॾहिं सेल जो वॉल्यूम डबल थी वियो, सेल मेच्योर थी वियो, त उनखां बाद में हिकु सेल पंहिंजी छा कंदो आहे, मेच्योर सेल डिवीजन कंदो आहे ऐं डिवाइड थी करे डाटर सेल्स प्रोड्यूस कंदो आहे। त अहिड़ो अमल जंहिं दौरान हिकु सेल इमेच्योर मां मेच्योर थिए, इनखे चइबो आहे नॉन डिवीजन फेस या इंटरफेस। अहिड़ो फेस जंहिं दौरान हिकु मेच्योर सेल विरिहाइजी करे डाटर सेल पैदा करे, उनखे चइबो आहे डिवीजन फेस या माइटोटिक फेस। अगरि ॿिन्हिनि फेसिस खे कंपेयर कंदो, त सेल जेको आहे उनजो इंटरफेस वारी स्टेज लेंदी इन ड्यूरेशन हूंदी आहे, माना उन में टाइम पीरियड घणो लॻंदो आहे। यानी उहा स्टेज जंहिंमें सेल फीडिंग करे साइज़ में वॾो थो थिए, उन में टाइम पीरियड घणो लॻंदो आहे। पर हिकु सेल जॾहिं डिवाइड थी करे डाटर सेल ठाहींदो आहे, उन में टाइम पीरियड थोरो लॻंदो आहे। त शॉर्ट ड्यूरेशन वारी स्टेज माइटोटिक फेज़ या डिवीजन फेज़ हूंदो आहे, ऐं लेंदी ड्यूरेशन वारो फेज़ इंटरफेस या नॉन डिवीजन फेज़ हूंदो आहे। हाणे क्वेश्चन इहो आहे त असांखे कीअं ख़बर पवंदी त हिकिड़ो सेल पंहिंजे इंटरफेस वारी स्टेज में आहे या उहो डिवीजन फेस या माइटोटिक फेस वारी स्टेज में आहे? त तव्हां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सां ऑब्ज़र्व कंदो, अगरि हिकु सेल में न्यूक्लियस ऐं न्यूक्लियोलाई विज़िबल नज़र अचनि, पर क्रोमोसोम क्लियर नज़र न अचनि, छो त उहे क्रोमेटिन नेटवर्क जे फॉर्म में हूंदा आहिनि, माना सम्झो त सेल इंटरफेस वारी स्टेज में आहे। पर अगरि असां ॾिसूं त सेल में न्यूक्लियस ऐं न्यूक्लियोलाई इनविज़िबल थी वञनि, यानी नज़र न अचनि, पर क्रोमोसोम्स विज़िबल थी वञनि, यानी अहिड़ी स्टेज जंहिंमें न्यूक्लियस ऐं न्यूक्लियोलाई इनविज़िबल हुजनि ऐं क्रोमोसोम विज़िबल हुजनि, इन स्टेज खे चइबो आहे माइटोटिक फेस या डिवीजन फेस। हाणे माइटोटिक फेस जा ॿ अमल, यानी न्यूक्लियस ऐं न्यूक्लियोलाई, इहे छा आहिनि? इनविज़िबल। ऐं क्रोमोसोम जेके आहिनि, उहे छा आहिनि? विज़िबल। इहे ॿई अमल अपोज़िट थी विया कंहिंजे इंटरफेस जे, जंहिंमें असां चई चुको आहे न्यूक्लियस ऐं न्यूक्लियोलाई विज़िबल हूंदा आहिनि, पर क्रोमोसोम जेके हूंदा आहिनि उहे इनविज़िबल हूंदा आहिनि। हाणे इन मां मुराद इहा आहे त
उहा कहिड़ी शइ आहे जेका सेल जे इनर कंटेंट खे डबल करे विरिहाइजण जे क़ाबिल थी बणाए, उहा आहे फूड मटीरियल। इन जे लाइ हिकिड़ो एक्सपेरिमेंट आहे त अमोबिया जो सेल खणो। अमोबिया जे सेल खे अहिड़े माहौल में रखो जिते हुनजो फूड स्टफ मौजूदु आहे। कुझु टाइम खां पोइ ॾिसंदो त ऑप्टिमियम कंडीशन ऐं फूड जे करे अमोबिया जो सेल नंढिड़े मां वॾो थो थिए ऐं वॾो थी करे डिवाइड थी करे डाटर सेल थो ठाहे। कुझु टाइम जे अंदरि तव्हांखे अमोबिया जो नंबर हुते वधीक मिलंदो, यानी अमोबिया जो सेल रीप्रोड्यूस करे चुको आहे पंहिंजी जनरेशन खे, यानी उन में डिवीजन थी चुकी आहे। पर जेकॾहिं अमोबिया जे सेल खे अहिड़े माहौल में रखो जिते हुनजो फूड स्टफ अवेलेबल न हुजे, त अमोबिया जो सेल कुमाइजी वेंदो ऐं बिलाखिर हुनजी डेथ थी वेंदी। त इन मां मुराद इहा आहे त कहिड़ी शइ आहे जेका सेल खे मेच्योर बि बणाईंदी आहे डिवीजन जेका, उहा आहे फूड स्टफ। त असां जुमिलो हिकिड़ो इस्तेमालु कंदा आहियूं, ए सेल फीड्स, पहिरियां सेल फीडिंग कंदो आहे, ग्रोस साइज़ में वॾो थींदो आहे, देन इट डिवाइड प्रोड्यूस इट्स प्रोजेनी, पोइ उहो विरिहाइजी करे पंहिंजो नसल पैदा कंदो आहे, यानी जीव घणे मां नवां सेल ठहंदा आहिनि। हाणे यादि रखो त जेको हीउ लेंदी फेज़ आहे, इंटर फेज़ या नॉन डिवीजन फेज़, इनखे आसानीअ सां सम्झण जे लाइ असां इनखे टिनि स्टेजिस में डिवाइड कयो आहे। हिकु जीवन फेज़ आहे, ॿियो एस फेज़ आहे, ॿियो जी टू फेज़ आहे। जीवन फेज़ खे असां गैप वन फेज़ बि चवंदा आहियूं, ग्रोथ फेज़ वन बि चवंदा आहियूं। कुझु बुक्स हिनखे गैप वन था लिखनि, कुझु हायर बुक्स हिनखे ग्रोथ फेज़ वन था लिखनि, यानी ग्रोथ जी पहिरीं स्टेज। इहो फेज़ मोस्ट वेरिएबल इन ड्यूरेशन हूंदो आहे, इन जे करे वेरिएबल आहे त हीअ इनिशियल स्टेज आहे सेल जी। कॾहिं इन में महीना लॻंदा आहिनि, कॾहिं ॾींहं, कॾहिं साल लॻी वेंदा आहिनि, तंहिंजे करे मोस्ट वेरिएबल आहे। इन फेज़ में जेके क्रोमोसोम्स हूंदा आहिनि, सिंगल स्टैंडर्ड मोनाड फॉर्म में हूंदा आहिनि, ऐं इन फेज़ में फॉर्मेशन थींदी आहे एंज़ाइम जी। कहिड़ा एंज़ाइम ठहंदा? जेके डीएनए खे रिप्लीकेट करण में मदद कनि। यानी जीवन फेज़ में छा थींदो आहे? फॉर्मेशन ऑफ एंज़ाइम फॉर द डीएनए रिप्लीकेशन अकर्स। डीएनए जे रिप्लीकेशन जे लाइ जेके एंज़ाइम घुरबल हूंदा आहिनि, उन्हनि जी फॉर्मेशन थींदी आहे। पोइ छा थींदो आहे? जीवन फेज़ जीअं ख़तमु थींदो आहे त एस फेज़ स्टार्ट थी वेंदो आहे। एस फेज़ खे चइबो आहे सिंथेटिक फेज़। इन में छा थींदो आहे? सिंथेसिस थींदी आहे कंहिंजी डीएनए जी। जहिड़ी जेतिरी डीएनए सेल में पहिरियां ई ओड़ी ओतिरी डीएनए ॿीहर ठहंदी आहे, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए डबल थींदो आहे। डीएनए जी रिप्लीकेशन थींदी आहे कहिड़े फेज़ में? एस में। तंहिंजे करे एस जी माना सिंथेटिक फेज़, यानी सिंथेसिस थींदी, पर कंहिंजी सिंथेसिस? डीएनए जी। जॾहिं डीएनए जो अमाउंट डबल थी वेंदो त सेल एस फेज़ खां पोइ जी टू में दाख़िल थींदो। इते क्रोमोसोम डबल स्टैंडर्ड डायड जे फॉर्म में अची वेंदा आहिनि, सेल जो वॉल्यूम डबल थी वेंदो आहे ऐं सेल रेडी हूंदो आहे डिवीजन जे लाइ। इन खां बाद में तव्हां अगरि कंपेयर कयो एस फेज़ ऐं जी टू फेज़ खे, त इहे जीवन फेज़ जे भेट में रिलेटिवली ऑफ कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन जा हूंदा आहिनि। यानी जीवन जे भेट में एस फेज़ ऐं जी टू में जेको टाइम पीरियड लॻंदो आहे उहो कॉन्स्टेंट लॻंदो आहे। जॾहिं त माइटोटिक फेज़ या डिवीजन फेज़ जेको आहे उनखे वरी चइनि स्टेजिस में असां डिवाइड कयो आहे, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़ ऐं टीलो फेज़। हाणे जॾहिं माइटोटिक फेज़ या डिवीजन फेज़ हूंदो आहे यूकेरियोटिक सेल जो, त उन में ॿ कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन थींदियूं आहिनि। पहिरियां हिकु मेच्योर सेल जो न्यूक्लियस विराइबो आहे, हिकु न्यूक्लियस मां ॿ डाटा न्यूक्लिया ठहंदा आहिनि, अमल खे चइबो आहे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस खां फौरन पोइ सेल जो साइटोप्लाज़म डिवाइड थी वेंदो आहे, हिकु सेल मां ॿ डाटा सेल ठहंदा आहिनि, अमल खे चइबो आहे साइटोकाइनेसिस। तंहिंजे करे हिकिड़ो जुमिलो इस्तेमालु कंदा आहियूं त कैरियोकाइनेसिस इज़ फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस खां बाद में साइटोकाइनेसिस थींदी आहे या यूकेरियोटिक सेल जे लाइ। अच्छा, उन खां बाद में असां कुझु डिस्कस कंदासीं त जॾहिं कंडीशन अनफेवरेबल हूंदियूं आहिनि त जीवन खां पोइ सेल डायरेक्ट एस फेज़ में दाख़िल न थींदो आहे, पर हिकिड़ी इंटरमीडिएट स्टेज अची वेंदी आहे जंहिंखे चइबो आहे जी नॉट फेज़। हीउ अहिड़ो फेज़ आहे जंहिंमें सेल रेस्टिंग हालति में हलियो वेंदो आहे ऐं उन में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जेके थींदियूं आहिनि वेरी स्लोली थींदियूं आहिनि, ताकी सेल सर्वाइव करे, पर उनजी का बि डीएनए रेप्लिकेशन न थींदी आहे। हाणे इन खां हटी करे असां हाणे नई टॉपिक जे तरफ़ ईंदासीं त जेका डिवीजन फेज़ आहे उन में सेल जूं डिवीजन घणनि क़िस्मनि जूं आहिनि। त यादि रखो डिवीजन जेका सेल जी थींदी आहे टिनि क़िस्मनि जी थींदी आहे, ए माइटोटिक सेल डिवीजन या ए माइटोसिस, जंहिंखे असां डायरेक्ट सेल डिवीजन चवंदा आहियूं। छाजे करे इनखे डायरेक्ट सेल डिवीजन चवंदा आहियूं? हीउ वर्ड ॿुधाए थो, ए जी माना आहे नॉट, माइटोस माना आहे थ्रेड, सिस माना आहे प्रासिस, सच अ प्रासिस ऑफ सेल डिवीजन इन विच थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पाइनल फाइबर इज़ नॉट फॉर्म्ड। इन में स्पाइनल फाइबर्स न ठहंदियूं आहिनि, स्पाइनल फाइबर न ठहण जे करे, स्पाइनल फाइबर जे ठहण खां सवा सेल डिवीजन पूरी थी थी वञे, तंहिंजे करे हिनखे चइबो आहे डायरेक्ट सेल डिवीजन। हाणे ए माइटोसिस मां ए कटियो त ॿी सेल डिवीजन जेको आहे उहा जेको आहे डिस्कस कंदासीं उहा आहे माइटोसिस। त माइटोसिस, माइटोस माना थ्रेड, सिस माना प्रासिस, हीअ अहिड़ी सेल डिवीजन आहे जेका स्पाइनल फाइबर यानी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जे ठहण खां पोइ पूरी थींदी आहे। त हिन जो कॉम्प्लीशन स्पाइनल फाइबर जे मदद सां थींदो आहे, हिन जो कॉम्प्लीशन जेको आहे उहो स्पाइनल फाइबर जे ठहण खां सवा थींदो आहे, तंहिंजे करे इहे डायरेक्ट सेल डिवीजन आहे, इहे इनडायरेक्ट सेल डिवीजन आहे। एक्चुअली जंहिं सेल डिवीजन में स्पाइनल फाइबर ठहंदियूं त हुनजे ठहण में कंप्लीट थियण में टाइम घणो लॻंदो, जंहिं सेल डिवीजन में स्पाइनल फाइबर नथियूं ठहनि
उहा जल में पूरी थींदी आहे, तंहिंजे करे हुनजी रफ़्तार फास्ट हूंदी आहे, हिनखे अनकंट्रोल या एबनॉर्मल सेल डिवीजन बि चइबो आहे। इट अकर्स विदाउट स्पाइनल फाइबर फॉर्मेशन। हाणे इहा कंहिंमें थींदी आहे? पहिरियों यादि रखो, इहा सेल डिवीजन थींदी आहे प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जेके हूंदा आहिनि उन्हनि में कहिड़ी सेल डिवीजन थींदी आहे? एमाइटोसिस। उन खां अलावा इहा थींदी आहे डिज़ीज़ सेल्स में, सच एज़ कैंसर आर ट्यूमर। त बैक्टीरिया जा सेल थी विया, कैंसरियस सेल थी विया, ट्यूमर सेल थी विया, उन में कहिड़ी थींदी आहे? एमाइटोटिक सेल डिवीजन। हाणे एमाइटोटिक सेल डिवीजन में अगरि हिकु सेल मां ब डाटर सेल पैदा था थियनि इक्वल साइज़ वारा, इनखे चइबो आहे बाइनरी फिशन। अगरि अन ईक्वल साइज़ वारा न्यूक्लिया पैदा थियनि ऐं डाटर सेल, त इनखे चइबो आहे न्यूक्लियर बडिंग। पर माइटोसिस खे इनडायरेक्ट सेल डिवीजन बि चइबो आहे, उन खां अलावा इनखे सोमेटिक सेल डिवीजन या वेजिटेटिव सेल डिवीजन बि चइबो आहे, छो त इहा बॉडी सेलनि में थींदी आहे, बॉडी सेलनि खे सोमेटिक सेल्स चइबो आहे। ऐं सोमेटिक सेल्स रीप्रोडक्शन में हिसो न वठंदा आहिनि, नॉन रीप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड वेजिटेटिव सेल्स। मिसाल जे तौर ते असांजे आर्म जा सेल आहिनि, फिंगर जा सेल आहिनि, लेग्स जा सेल आहिनि, इहे सोमेटिक सेल्स आहिनि, या इहे रीप्रोडक्शन में हिसो न वठंदा आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगरि असांजी आङर कटिजे या उनजा सेल अलॻि थियनि, त उन मां का असांजी नई बॉडी वजूद में कोन ईंदी। तंहिंजे करे इहे नॉन रीप्रोडक्टिव सेल आहिनि। नॉन रीप्रोडक्टिव सेल खे वेजिटेटिव सेल्स बि चइबो आहे, सोमेटिक सेल्स बि चइबो आहे। त अहिड़ी सेल डिवीजन जेका सोमेटिक सेल या वेजिटेटिव सेल्स में थिए, असां उन सेल डिवीजन खे सोमेटिक सेल डिवीजन या वेजिटेटिव सेल डिवीजन बि चवंदा आहियूं। हाणे इहा सेल डिवीजन छा कंदी आहे? इट अकर इन सोमेटिक सेल्स एंड इट मेंटेन्स क्रोमोसोम नंबर एंड क्वालिटी। क्रोमोसोम जो नंबर बि इहा मेंटेन कंदी आहे, क्वालिटी बि। माना जहिड़ा ऐं जेतिरा क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हुया, ओड़ा ऐं ओतिरा क्रोमोसोम डाटर सेल्स में हूंदा। यानी क्रोमोसोम जे नंबर में बि काई चेंज न ईंदी आहे ऐं क्रोमोसोम जे क्वालिटीअ में बि काई चेंज न ईंदी आहे। त यानी इहा मेंटेन कंदी आहे जीनोटाइप खे। जेनेटिक मोनोटॉमी हूंदी आहे, जहिड़ा जीन्स पेरेंट सेल में हूंदा ओड़ा ई डाटर सेल में हूंदा। लिहाज़ा सेल आइडेंटिकल कापीज़ हूंदा आहिनि, हिकु ॿिए जी बि ऐं पेरेंट जी बि। लिहाज़ा इहा हेल्प कंदी आहे आइडेंटिकल कापीज़ ठाहिण में। आइडेंटिकल कापीज़ खे चइबो आहे क्लोन्स। त क्लोनिंग में हेल्प केरु कंदो आहे? माइटोटिक सेल डिवीजन। उन खां अलावा माइटोटिक सेल डिवीजन उहा आहे जेका ज़ाइगोट में थींदी आहे, त एम्ब्रियो ठहंदो आहे, ऐं एम्ब्रियो मां हिकिड़ो नंढो इंडिविजुअल यानी इन्फेंट ठहंदो आहे। इन महिल खे चइबो आहे ग्रोथ। त ग्रोथ में केरु हेल्प कंदो आहे? माइटोसिस। ग्रोथ ऐं डेवलपमेंट, इन में केरु हेल्प कंदो आहे? माइटोसिस। उन खां अलावा इहा हेल्प कंदी आहे रीजनरेशन में। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिज़र्ड आहे, उनजो टेल कटिजे थो, त कुझु जेके रहियल टेल जा सेल्स आहिनि उहे डिवाइड थी करे वरी नओं टेल पैदा कंदा आहिनि। असांखे धक लॻंदो आहे, स्किन कटिजी वेंदी आहे, डॉक्टर टाका हणी छॾींदो आहे, कुझु टाइम खां पोइ ॿीहर ठही पवंदी आहे। बोन रीजनरेट थींदो आहे। आर बी सीज़ जी ज़िंदगी आहे 120 ॾींहं। 120 ॾींहंनि खां पोइ आर बी सीज़ डेड थी वेंदा आहिनि, नवां आर बी सीज़ बोन मेरो मां ठहंदा आहिनि। जेके नवां आर बी सी ठहंदा, कहिड़े महिल जे करे ठहंदा आहिनि? माइटोसिस जे करे। त वॉर्न आउट सेलनि खे रीप्लेस करण में, वॉन्ड जे हीलिंग में, ग्रोथ में, यानी हिकु नंढिड़ो इंडिविजुअल आहे उहो मेच्योर थो थिए, अडल्ट थो थिए, या डेवलपमेंट में, यानी ज़ाइगोट जेको आहे एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इंडिविजुअल में कन्वर्ट थो थिए, ऐं आइडेंटिकल कापीज़ खे ठाहिण में ऐं रीजनरेशन में केरु हेल्प कंदो आहे? माइटोसिस। माइटोसिस यूनिसेल्युलर यूकेरोटिक ऑर्गेनिज़म्स जे लाइ रीप्रोडक्शन जो मेथड बि आहे। इनखे असां असेक्सुअल रीप्रोडक्शन बि चवंदा आहियूं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमोबिया जो सेल आहे माइटोटिकली डिवाइड थो थिए, ॿ अमोबिया ठहिया। यानी अमोबिया जी रुगो डिवीजन न थी आहे, बल्कि अमोबिया जो तादादु वधियो आहे। यानी अमोबिया जा ॿ सेल, ॿ जानदार आहिनि, जानदारनि जो नंबर वधियो आहे। लिहाज़ा इहा ॼण खे असेक्सुअल रीप्रोडक्शन आहे। त यूनिसेल ऑर्गेनिज़म जे लाइ असेक्सुअल रीप्रोडक्शन जो मेथड बि हूंदो आहे। हाणे उन खां पोइ ॿी असांजी जेका सेल डिवीजन आहे उहा आहे मियासिस। हाणे मियासिस इज़ आल्सो कॉल्ड रिडक्शनल सेल डिवीजन। रिडक्शनल इनखे छो चइबो आहे? त इहा क्रोमोसोम जे नंबर खे रिड्यूस कंदी आहे फ्रॉम डिप्लाइड टू हेप्लाइड। डिप्लाइड नंबर खे एब्रीविएशन में लिखंदा आहियूं 2N, ऐं हेप्लाइड नंबर खे लिखंदा आहियूं N। त डिप्लाइड नंबर कन्वर्ट थींदो आहे हेप्लाइड नंबर में, यानी क्रोमोसोम जो नंबर घटिजी वेंदो आहे, अधु थी वेंदो आहे। इनखे चइबो आहे मियासिस खे रिडक्शनल सेल डिवीजन। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल, हिकु सेल आहे जंहिंमें क्रोमोसोम आहिनि 8, उन सेल में मियासिस थी थिए, त जेके डाटर सेल ठहंदा उन में क्रोमोसोम जो नंबर डिवाइड थी वेंदो 8 जो, अधु अधु अची वेंदो हर सेल में, यानी 4 क्रोमोसोम अची वेंदा। पर जेकॾहिं मियासिस उन सेल में थिए जंहिंमें 16 क्रोमोसोम आहिनि, त डाटर सेलनि में क्रोमोसोम 16 जो अधु, यानी 8 अची वेंदा। पर जेकॾहिं मियासिस उन सेल में थिए थी जंहिंमें 32 क्रोमोसोम आहिनि, त डाटर सेल जेके हूंदा उन्हनि में 32 जो अधु, यानी 16 क्रोमोसोम हूंदा। त डिप्लाइड नंबर खे हेप्लाइड में कन्वर्ट करणु कंहिंजो कमु आहे? मियासिस जो। हाणे क्वेश्चन आहे त मियासिस कहिड़नि जानदारनि में थींदी आहे? मियासिस एक्चुअली सेक्सुअली रीप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज़म में थींदी आहे, या मेन करेक्टर आहे उन्हनि जानदारनि जो जेके सेक्सुअल रीप्रोडक्शन जे वसीले पंहिंजो नसल वधाईंदा आहिनि। स्पेशली एनिमल्स में मियासिस हेल्प कंदी आहे गेमेटोजेनेसिस में। गेमेटो माना गेमेट्स, जेनेसिस माना फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ गेमेट फॉर्मेशन इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। हाणे गेमेट्स आहिनि, गेमेट्स आर रीप्रोडक्टिव सेल्स।
मेल रिप्रोडक्टिव सेल आर मेल गेमेट आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गेमेट्स आर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर कॉल्ड एग. पो एग जे ठहण के चबा ओजेनेसिस एंड स्पर्म जे ठहण के चबा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड बिन अमलन के गडे करे चबा गेमेटोजेनेसिस. हाँ क्वेश्चन यो है त स्पर्म में एग छामा ठहना ये ठहना एक स्पेशलाइज सेल्स में जिनके चबा जर्म सेल्स. ये जर्म सेल डिप्लॉइड सेल हूँ जेके मेल गोनेड या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस में हूँ और उनका अलावा ये फीमेल गोनेड या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज में हूँ. ओवरी जहाँ जर्म सेल मियासिस का एग पैदा कर जर्म सेल जेके टेस्टिस में हूँ मियासिस का स्पर्म पैदा कर स्पर्म में एग बई हेप्लाइड हूँ इन मेल के चबा गेमेटोजेनेसिस. एनिमल में गेमेटोजेनेसिस यानी स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस में केर हेल्प कर मियासिस. जैसे तो बूटन की एक जनरेशन है जैसे चवन स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट में मौजूद है स्पोर मदर सेल्स उन्होंने मियासिस तो हेप्लाइड स्पोर ठहना फॉर्मेशन ऑफ हेप्लाइड स्पोर इज कॉल्ड स्पोरुलेशन. तो प्लांट की स्पोरुलेशन में एनिमल की गेमेटोजेनेसिस में केर हेल्प कर मियासिस. उनका अलावा फंजाय में जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी तो मियासिस जायगोट में फंजाय के लाइफ साइकिल ही सेल जो डिप्लॉइड हों जायगोट हों. जायगोट में जैसे मियासिस तो हेप्लाइड सेक्सुअल स्पोर ठहना जिनका किस्म तुम चैप्टर 8 फर्स्ट ईयर में पढ़िया जायगोस्पोर एस्कोस्पोर बेसिडियोस्पोर दीज आर द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाय व्हिच आर प्रोड्यूस फ्रॉम जायगोट एज अ रिजल्ट ऑफ मियासिस. तो फंजाय जहाँ सेक्सुअल स्पोर प्लांट जहाँ हेप्लाइड स्पोर एनिमल जहाँ गेमेट पैदा करें कैंजो कम है मियासिस. मियासिस जै कैरेक्टर में वेरिएशन आनी लिहाजा जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हूँ उनके ऑफ स्प्रिंग एग्जैक्टली पेरेंट जड़ा न हूँ उनमें कुछ फर्क हों. तो अड़ी डिवियन जहाँ कैरेक्टर में चेंज आने वेराइटी आने एवोल्यूशन में हेल्प करे हायर ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर हो वह कड़ी है मियासिस. मियासिस सभी का कॉम्प्लिकेटेड सेल डिवीजन होंगी छो तो मियासिस सेल में वह बिन फेसिस में थी एक फर्स्ट मियाटिक डिवीजन बी सेकंड मियाटिक डिवीजन. फर्स्ट मियाटिक डिवीजन में ब डाटर सेल ठहंदा सेकंड मियाटिक डिवीजन में बिन में चार डाटर सेल ठहंदा. तो डाटर सेल कैमें ठहना मियासिस में तो फास्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट सेल डिवीजन ए माइटोसिस जहाँ कॉम्प्लिकेटेड सेल हुआ मियासिस ही असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में थी ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो कैरेक्टर आई एबनॉर्मल सेल ने प्रोकैरियोटिक सेल्स में थी. हाँ अस माइटोसिस के पढ़ासी तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो टाइप है यानी या डिवीजन फेज आ इन डिवीजन फेज में चार स्टेजेस होंद प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज एंड टीलोफेज. इन में हाँ जहन में रखो तो जो प्रोफेज है यह अर्ली स्टेज है माइटोसिस की. प्रो माना फर्स्ट प्रिमिटिव इनिशियल फेज माना स्टेज. माइटोसिस की पेरी स्टेज के सरबो प्रोफेज. हाँ प्रोफेज में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे क्रोमेटिन नेटवर्क वो टुटन तो विजिबल क्रोमोसोम ठहना ऑलरेडी तुम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी आया फर्स्ट ईयर में तो एक क्रोमोसोम में ब क्रोमेटेड होंद उनके सेंट्रोमेयर गणी सपोज कि ये अड़ो सेल आ जैसे न्यूक्लियस में ब क्रोमोसोम पैदा थी पैन. हाँ तो क्रोमोसोम के छहण का न्यूक्लियस के बहर सेंट्रोल्स में ठहद स्पाइनल फाइबर्स. स्पाइनल फाइबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बहर साइटोप्लाज्म में ठहद जैसे ब सेंट्रोल अलग थन. हाँ एनिमल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वेझो एक बॉडी होंगी सेंट्रोल. एक सेंट्रोल रिप्लिकेशन करे बिन में कन्वर्ट सेंट्रोसोम ठहंदो तो ब सेंट्रोल जैसे अपोजिट पोल ले हली वा तो एक नेटवर्क ठहंदो फाइब्रस स्ट्रक्चर जो जिनके स्पाइनल फाइबर या माइटोटिक एपरेटस चबो. हाँ उन माइटोटिक एपरेटस जहाँ टे किस्म स्पाइनल फाइबर जैसे एक पोल का शुरू थी बे पोल के तरफ अचन थी बहर इनके चबा कंटिन्यूस स्पाइनल फाइबर जिनको शॉर्ट फॉर्म लिखो CSF कंटिन्यूस स्पाइनल फाइबर. ब्यू स्पाइनल फाइबर पोल्स का शुरू थी इक्वेटर से इंद पर विच में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होजन के करे ये एक बे मिलियल न होंद इन डिसकंटिन्यूस या हाफ स्पाइनल फाइबर चबो. ब्यू स्पाइनल फाइबर अपोजिट पोल के तरफ ठहद जिनके चबा एस्ट्रल फाइबर्स. तो टन किस्म जो स्पाइनल फाइबर ठहद एनिमल के सेल में लिहाजा एनिमल के सेल के माइटोसिस के चबा एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस. पर बूटे के सेल में कंटिन्यूस स्पाइनल फाइबर एंड डिसकंटिन्यूस स्पाइनल फाइबर ठहद पर एस्ट्रल रेज न ठहना लिहाजा प्लांट की माइटोसिस के चबा एन एस्ट्रल माइटोसिस. हाँ अगर तुम ऐसा दो तो जे स्पाइनल फाइबर एनिमल के सेल में तो सेंट्रोल में ठहूँ बूटे में छा ठहद बूटे में मौजूद होंगे फ्रेगमोप्लास्ट सेंट्रोल की जगह से स्पाइनल फाइबर के ठाईंदा तो पहली स्टेज जैमें न्यूक्लियर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन नेटवर्क टोटो क्रोमोसोम ठहा इन पहली स्टेज के चबो अर्ली प्रोफेज. बी स्टेज जैमें न्यूक्लियस के बहर स्पाइनल फाइबर ठहूँ इनके चबा मिड प्रोफेज. ट्रियों प्रोफेज की स्टेज आ जैसे लेट प्रोफेज चबो इतने ऐसा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल चिटी नजर थी अचे पर इतने जो अस डॉट्स लगाएं ये बुधा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टुटी रही है डिसअपियर थी रही है तो माना इनके चबो आखिरी स्टेज के चबा लेट प्रोफेज.
अर्ली प्रोफेज, मिड प्रोफेज, लेट प्रोफेज, हे टे सब स्टेज कहो प्रोफेज उन्हें टिन्हीं सब स्टेज में याद रखो। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन नेटवर्क टोटली क्रोमोसोम ठाई, मिड प्रोफेज में न्यूक्लियस के बहरा स्पाइनल फाइबर ठंदी, ए लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो डिसअपियर। उन मेटाफेज है, मेटा की माना मिड ए फेज माना स्टेज, अड़ी फेज अड़ो स्टेज जैमें क्रोमोसोम इक्वेटर से लाइनअप थन बिल्कुल विच से अची कर चुमड़ी पवन कैसा हाफ स्पाइनल फाइबर का हाफ से छो छो तो कंटिन्यूस स्पाइनल फाइबर बहरान पर हाफ स्पाइनल फाइबर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के वेझो हुए तेज कर अटैचमेंट थी क्रोमोसोम की कैसा हाफ स्पाइनल फाइबर से। हाँ अटैचमेंट वे फेज जो नालो मेटाफेज आ, इन बाद में एना फेज में स्प्लिटिंग थी क्रोमोसोम की जैसे स्पाइनल फाइबर कॉन्ट्रेक्शन कद अपोजिट पोल के तरफ पुलिंग फोर्स लगाइंद तो दरमियान में क्रोमोसोम टुटंदा, एक क्रोमोसोम में ब सिस्टर क्रोमेटेड अलग थन्दू, एक सिस्टर क्रोमेटेड एक पोल दे वेंदी बी बे पोल दे वेंदी, एज अ रिजल्ट जैसे अपोजिट पोल से पहुंची वे तो एना फेज पूरा थी ए शुरू थी टीलो फेज। तो एना फेज स्प्लिटिंग वाली स्टेज है जैमें क्रोमोसोम जो क्रोमेटेड्स एक बे का अलग थी अपोजिट पोल से हरकत कर। फाइनल स्टेज होंगी टीलो फेज, टीलो फेज में जी क्रोमेटेड अपोजिट पोल से अची वो तो टीलो फेज अपोजिट हों प्रोफेज जो, इन में क्रोमेटेड के हर सेट के चौधारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के रीअपियर थे स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थी, तो अड़ो फेज जैमें स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थन क्रोमेटेड के सेट के चौधारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर थे, इनके चाहिए टीलो फेज। इतने कैरियोकाइनेसिस पूरी थी वी बाद में थी साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म जी वन, एज अ रिजल्ट एक सेल में ब डाटर सेल ठंडा। हाँ अगर तुम डाटर सेलन के ऐसो तो इन में क्रोमेटिड्स मौजूद हैं जिनके मोनार्ड्स चबो आ। हाँ इन एक न्यूक्लियस में जो ब क्रोमेटेड्स हैं, हाँ सपोज कर हि पे नंबर क्रोमोसोम आ तो इन जो बई क्रोमेटेड एक जड़ी होंगे जड़ी डीएनए एक क्रोमेटेड में होंगी ओड़ी बी में छो तो सिस्टर क्रोमेटेड। सपोज कर इनके वन वन जो नंबर था दूँ, वन वन माना ये बई क्रोमेटेड फर्स्ट क्रोमोसोम जो इन टू टू जो नंबर था दूँ बई सेकेंड क्रोमोसोम जो, तो फर्स्ट क्रोमोसोम में एक फर्स्ट क्रोमेटेड एक पोल ले थी अचे, एक फर्स्ट वरी बे पोल ले थी वे, सेकंड क्रोमोसोम में एक क्रोमेटेड एक पोल ले थी अचे बी बे पोल ले थी वे। तो इतने जो डाटर न्यूक्लियाई ठहन हर एक में जो क्रोमेटेड नंबर वन आई आइडेंटिकल होंगे, हर एक में जो टू आने में आइडेंटिकल होंगे, लिहाजा जीनोटाइप इन जड़ो हों तो कैरेक्टर भी एक जड़ा हों। हाँ ये साइटोकाइनेसिस का इमेच्योर डाटर सेल ठाया ये हल्या वा नॉन्डवियन फेज में, अस पढ़ी आयो नॉन्डवियन फेज जो पे स्टेज हों जीवन, जीवन में सेल के अंदर मोनार्ड्स होंद सेल फीडिंग करी डीएनए के रिप्लीकेट कह मोनार्ड के डायार्ड में कन्वर्ट कर जैसे मेच्योर थी तो हर डाटर सेल में क्रोमोसोम जो नंबर ब हों जो पेरेंट सेल में आ, तो क्रोमोसोम के नंबर ए क्वालिटी के मेंटेन केर कह माइटोसिस। हाँ याद रखो तो अगर एक सेल में माइटोसिस थे थी उन सेल में क्रोमोसोम जो नंबर दह है, दहन क्रोमोसोम वो सेल अगर माइटोटिकली डिवाइड थो तो हर डाटर सेल में क्रोमोसोम भी दह दह हों, जड़ा क्रोमोसोम पेरेंट सेल में हुआ ओड़ा क्रोमोसोम डाटर सेल में हों, न क्रोमोसोम की क्वालिटी चेंज थी न क्रोमोसोम की क्वांटिटी चेंज थी, लिहाजा कैरेक्टर कॉमन हों सेल एक बे की कॉपी हों, इनके चाहिए क्लोनिंग। वह नई टॉपिक जो अब पढ़ूँ था वह है मियासिस आर रिडक्शनल सेल डिवीजन। तो डियर स्टूडेंट्स मियासिस वह सेल डिवीजन आ जेका क्रोमोसोम के नंबर के घटाइंदी आ डिप्लॉइड में हैप्लॉइड कंदी आ, इन जे करे इन जो नालो रिडक्शनल सेल डिवीजन आ। बियो या सेल डिवीजन मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होंदो आ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो, अड़ा जानदार जिन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थे थी उन्होंने में मियासिस थी। अस पे पढ़ी चुका हूँ तो मियासिस केड़न सेलन में थी, प्लांट्स की जनरेशन होंगी स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होंगे स्पोरन जी, स्पोरन जी के अंदर मौजूद होंगे स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल डिप्लॉइड सेल होंगे जिनमें मियासिस तो हेप्लॉइड स्पोर ठंदा अमल के चबा स्पोरुलेशन। तो प्लांट जहाँ हेप्लॉइड स्पोर पैदा करने में केर हेल्प कह मियासिस, उन जानदार फंजाए, फंजाए जो डिप्लॉइड सेल हों जायगोट, जायगोट में मियासिस है तो फंजाए जहाँ सेक्सुअल स्पोर ठंदा जे फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर अठ में पढ़ी आयो, जी जायगोस्पोर है, एस्कोस्पोर है, बेसिडियोस्पोर है, ये जायगोट में ठंदा आफ्टर अ सेल डिवीजन कॉल्ड मियासिस। उन अलावा एनिमल्स जहाँ जर्म सेल्स होंगे जे गोनेट्स में होंगे, गोनेट्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गोनेट या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होंगे, फीमेल गोनेट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज होंगे, टेस्टिस ओवरीज के जर्म सेलन में जैसे मियासिस तो गेमेट्स ठंदा यानी रिप्रोडक्ट सेल्स, मेल गेमेट्स आर कॉल्ड स्पर्म्स एंड फीमेल गेमेट्स आर कॉल्ड एग्स। तो जैसे जर्म सेलन में मियासिस थे स्पर्म में एग ठन इन मेल के चबा गेमेटोजेनेसिस, तो एनिमल की गेमेटोजेनेसिस में प्लांट के स्पोरुलेशन में फंजाए के सेक्सुअल स्पोर के ठहण में कड़ी डिवीजन हेल्प कंदी मियासिस।
एनिमल या गैमेट्स यानी स्पर्म एग, फंजाई जहाँ सेक्सुअल स्पोर यानी जायगो स्पोर, एस्को एम्बेसिडियो स्पोर, उन अलावा प्लांट जहाँ स्पोर ये हेप्लाइड बनाव तो जो मियाटिक प्रोडक्ट्स हैं। तो अड़ी मियासिस जहाँ जम सेलन में थे गैमेट पैदा कर जर्मिनल मियासिस चबो आ, अड़ी मियासिस जहाँ फंजाई के जायगोट में थे फंजाई जहाँ सेक्सुअल स्पोर पैदा कर जायगोटिक मियासिस चबो आ, अड़ी मियासिस जहाँ स्पोर मदर सेलन में थे स्पोर पैदा कर स्पोरोटिक मियासिस चबो आ। तो मियासिस जहाँ सेल डिवीजन है यह कॉम्प्लिकेटेड डिवीजन होंगी एज कंपेयर टू माइटोसिस। छाजे करे तो इन में ब फेसिस होंदा आइन, मियासिस के पेरे फेस के फर्स्ट मियाटिक डिवीजन चबो आ, बे फेस के सेकेंड मियाटिक डिवीजन चबो आ। हाँ जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन आए ब डाटर हेप्लाइड सेल पैदा कर, सेकेंड मियाटिक डिवीजन बिन हेप्लाइड सेलन में चार हेप्लाइड सेल पैदा कर। तो टोटल मियासिस में हेप्लाइड सेलन जो नंबर चार पैदा थन्द कंप्लीट मियाटिक डिवीजन घना डाटर सेल पैदा कर चार, एक सेल में मियाटिक डिवीजन दौरान कॉन्सिक्यूटिव डिवीजन बंदियन। तो फर्स्ट डिवीजन में क्रोमोसोम जो नंबर डिप्लाइड में हेप्लाइड थन्द कर फर्स्ट डिवीजन के असा छा फर्स्ट डिवीजन के छींदा रिडक्शनल डिवीजन, सेकंड जो डिवीजन होंगी जण कि माइटोसिस वगुर होंगी छो तो हेप्लाइड सेलन में हेप्लाइड सेल पैदा थन्दा, सेकंड मियाटिक डिवीजन जो नंबर डाटर सेलन जो तादाद बढ़ाण होंद, पर क्रोमोसोम के नंबर के चेंज करण ना होंद। बी गाल यह है तो मियासिस उ सेल डिवीजन है जैमें क्रॉसिंगओवर इंडिपेंडेंट असाइनमेंट जेनेटिक मैनिपुलेशन आ जीन के माना कॉम्बिनेशन में चेंज आनी दिन जीन जो कॉम्बिनेशन जैसे चेंज थी तो कैरेक्टर में भी वेरिएशन इंदी आ। तो अड़ी सेल डिवीजन जहाँ वेरिएशन आने कैरेक्टर में तब्दीली आने जानदार जहाँ कैरेक्टर मॉडिफाई करे ऑफ स्प्रिंग पाँच पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी न होजन उन्होंने तब्दीली आने उन सेल डिवीजन जो नालो मियासिस है। लिहाजा मियासिस जेनेटिक मोनोटॉमी के ब्रेकडाउन कर एवोल्यूशन आने में कहती है हेल्प कहती है। तो हाँ अस पढ़ा तो जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन है मियासिस शुरुआत थी फर्स्ट मियाटिक डिवीजन का, फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जो बो नालो अस लिखो रिडक्शनल डिवीजन। फर्स्ट मियाटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन में चार फेसिस होंगे, प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। उनका अलावा जो सेकंड मियाटिक डिवीजन आज जैसे असं सिंपल माइटोसिस भी छींदा आयो उनमें भी चार फेज होंगे, प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। ही टू बुधाए तो सबस्क्रिप्ट तो ही स्टेजेस सेकंड मियाटिक डिवीजन जो सबस्क्रिप्ट वन इंडिकेट करे तो ये चार सब स्टेज फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जो। हाँ याद रखो तो जो फर्स्ट मियाटिक डिवीजन होंगी उनकी शुरुआत थी प्रोफेज वन से, जो प्रोफेज वन हों फर्स्ट मियाटिक डिवीजन जो वो माइटोटिक प्रोफेज का लेंदी हों उन डिवाइड किया पंजन सब स्टेजेस में। उनकी करेक्ट सीरीज कड़ी आ पंजन सब स्टेजेस की, वह है लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ये असो पंज सब स्टेजेस होंगे, लेप्टोटीन, जायगोटीन, पैचीटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। दीज आर द फाइव सब स्टेजेस ऑफ प्रोफेज वन। हाँ सब का पैरिया जी ही प्रोफेज वन स्टार्ट थी तो लेप्टोटीन स्टेज में क्रोमोसोम्स आर थिन, सिंगल स्टैंडेड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोनिमा हैविंग बीडेड अपीयरेंस। क्रोमोसोम सना होंगे इन जहाँ अपीयरेंस होंगी तस्वीर में मौजूद मणियन या दाणन वगुर नजर इंदी आ। तो क्रोमोसोम डबल स्टैंडेड थी वेंदा एक जड़ा क्रोमोसोम जो पा में पेयर ठाईंदा उनके पेयरिंग वे अमल के चबा सेनेप्सिस, यानी सेनेप्सिस है इट इज़ द पेयरिंग ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम्स। होमोलागस क्रोमोसोम पा में जोड़ा ठाईंदा हर जोड़े के चबा बायवेलेंट, ए पेयर ऑफ होमोलागस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बायवेलेंट। तो पेयर जो हों होमोलागस क्रोमोसोम जो उनके असा छींदा इट इज़ कॉल्ड बायवेलेंट। तो बायवेलेंट की फॉर्मेशन थी यानी पेयरिंग थी पेयरिंग वो अमल सेनेप्सिस, पेयर जो नालो बायवेलेंट, सेनेप्सिस से बायवेलेंट है इन स्टेज जो नालो जायगोटीन। जायगोटीन स्टेज का जो बायवेलेंट में क्रोमेटिड्स होंगे उ शार्ट थी वन कंडेंस एक बे के वेझो अची वन, बाद में वे क्रोमेटिड शार्ट ए कंडेंस एक बे का अलग थी फकत सेंट्रोमेयर वट एक बे का मिलल होंदन। तो चार क्रोमेटेड जैसे असेंगे क्लियर नजर अचन विजिबल तो सेट ऑफ फोर क्रोमेटेड इज कॉल्ड टेट्राड। टेट्राड छा है सेट आए फोर क्रोमेटेड जो टेट्राड क्लियर नजर इंदी स्टेज में पैचाइटीन में, पैचाइटीन का स्टेज होंगी डिप्लोटीन। हाँ डिप्लोटीन में तो जो टेट्राड में चार क्रोमेटेड हैं उनमें ब क्रोमेटेड होंदू बहर ब क्रोमेटेड होंदू अंदर, जो ब क्रोमेटेड इनर साइड से होंद नॉन क्रोम नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स उन्होंने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हों जैसे चबा चियासमेटा। हाँ केर पुछे चियासमेटा छा है इट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटेड्स ऑफ बायवेलेंट। चियासमेटा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट छो ठो तो उतने जीन्स की मटा सटा थी जैसे चबा क्रॉसिंगओवर, एक्सचेंज ऑफ जीन्स इज कॉल्ड क्रॉसिंगओवर। तो क्रॉसिंगओवर किथे थी जिते छाड़े चियासमेटा, चियासमेटा ठहण क्रॉसिंगओवर वो अमल से होंगे डिप्लोटीन। क्रॉसिंगओवर का चियासमेटा वो कॉन्टेक्ट टुट इन टुटण वे अमल के चबा टर्मिनलाइजेशन, माना टर्मिनलाइजेशन चियासमेटा वे कॉन्टेक्ट के
ओवरकम कंदी केड़े महिल खां पोइ क्रॉसिंग ओवर खां पोइ। हाणे जेके सिस्टर क्रोमेटिड आहिनि क्रॉसिंग ओवर खां पोइ थोरियूं हिक ॿिए खां डिफरेंट थी वेंदियूं आहिनि। डायकाइनेसिस में छा थींदो आहे, टर्मिनलाइजेशन खां पोइ न्यूक्लियस जे ॿाहिरां स्पाइनल फाइबर ठहंदियूं आहिनि ऐं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर थी वेंदो आहे। द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल फाइबर एंड डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर अकर इन डायकाइनेसिस। द डायकाइनेसिस एंड स्टेज आहे कंहिंजी, प्रोफेस वन जी। उन खां बाद में मेटाफेस वन शुरू थी वेंदो आहे। छो त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जॾहिं डिसअपियर थी वियो त सेल जे अंदरि मौजूदु आहिनि बायवेलेंट। बायवेलेंट पंहिंजी अरेंजमेंट कंदा आहिनि हाफ स्पाइनल फाइबर सां अटैच थींदा आहिनि। जॾहिं बायवेलेंट हाफ स्पाइनल फाइबर सां अटैच थियनि, हिन फेस खे चइबो आहे मेटाफेस वन। बायवेलेंट जॾहिं अटैच थी वियो आहे, मेटाफेस वन पूरो थी वेंदो आहे, त एनाफेस वन में स्पाइनल फाइबर अपोज़िट पोल जे तरफ़ कॉन्ट्रेक्ट कंदियूं आहिनि ऐं पुलिंग फोर्स लॻाईंदियूं आहिनि बायवेलेंट ते। त बायवेलेंट टुटंदो आहे, उन मां क्रोमोसोम अलॻि थींदा आहिनि जेके अपोज़िट पोल ते हरकत कंदा आहिनि। त एनाफेस वन में असां लिखियो आहे स्प्लिटिंग ऑफ बायवेलेंट अकर इंटू क्रोमोसोम एंड देयर मूवमेंट टुवर्ड्स द अपोज़िट पोल्स। यानी बायवेलेंट जा ॿ क्रोमोसोम हिक ॿिए खां अलॻि थींदा ऐं अपोज़िट पोल ते हलर कंदा स्पाइनल फाइबर जे कॉन्ट्रेक्शन जे करे। इन फेस खे चइबो आहे एनाफेस वन। पोइ जॾहिं छा थींदो आहे, एनाफेस वन पूरो थी वेंदो आहे ऐं क्रोमोसोम्स अपोज़िट पोल ते पहुची वेंदा आहिनि, त न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेको हूंदो आहे उहो रीअपियर थींदो आहे ऐं स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थींदियूं आहिनि। त डिसअपियरेंस ऑफ स्पाइनल फाइबर एंड रीअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम इज़ कॉल्ड टीलोफेस वन। हाणे टीलोफेस वन जॾहिं कंप्लीट थी वेंदो त उन खां बाद में सेकंड मियाटिक डिवीजन स्टार्ट थी वेंदी, जंहिंखे असां छा छॾींदा आहियूं, सिंपल माइटोसिस चवंदासीं। इन जी शुरूआत थींदी आहे प्रोफेस टू सां। हाणे प्रोफेस टू में छा थींदो आहे, प्रोफेस वन वांगुरु हिते बि फॉर्मेशन थींदी स्पाइनल फाइबर जी ऐं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जेको आहे उहो छा थी वेंदो आहे, डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जे डिसअपियर थियण खां पोइ जेके न्यूक्लियस जे अंदरि क्रोमोसोम्स आहिनि, हर क्रोमोसोम खे चइबो आहे डायाड। छाजे करे त क्रोमोसोम मुश्तमिल हूंदो आहे ॿिनि क्रोमेटिड्स ते। ॿिनि क्रोमेटिड जे सेट खे असां छा चवंदासीं, डायाड। इहो डायाड अटैच थी वेंदो आहे हाफ स्पाइनल फाइबर सां। अटैचमेंट वारे फेस जो नालो छा आहे, मेटाफेस टू। मेटाफेस टू खां पोइ एनाफेस टू स्टार्ट थींदो आहे, जंहिंमें डायाड टुटंदो आहे, उन मां मोनाड अलॻि थींदियूं आहिनि ऐं मोनाड अपोज़िट पोल ते पहुचंदियूं आहिनि। जॾहिं मोनाड अपोज़िट पोल ते पहुची वियूं, एनाफेस टू कंप्लीट थी वियो, त टीलोफेस टू स्टार्ट थी वेंदो। टीलोफेस टू अपोज़िट हूंदो आहे प्रोफेस टू जे। हेॾे स्पाइनल फाइबर ठही पियूं, हिते स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थी वञूं। हिते डिसअपियरेंस हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जी, हेॾे रीअपियरेंस हूंदी आहे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जी अराउंड ई सेट ऑफ मोनाड्स। त अहिड़ो फेस जंहिंमें स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थियनि ऐं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर थिए अराउंड ई सेट ऑफ मोनाड, इट इज़ कॉल्ड टीलोफेस वन। त हाणे जेकॾहिं तव्हां इन जे इख़्तसार खे ॾिसंदव त प्रोफेस वन जी आख़िरी स्टेज डिप्लोटीन में स्पाइनल फाइबर ठहियूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर थियो। सेम सिचुएशन आहे प्रोफेस टू जे में बि स्पाइनल फाइबर ठहियूं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर थियो आहे। उन खां पोइ अगरि तव्हां ॾिसो मेटाफेस वन में उते बि अटैचमेंट आहे, मेटाफेस टू में बि अटैचमेंट आहे, पर फ़र्क़ु कहिड़ो आहे, त हेॾे अटैचमेंट आहे बायवेलेंट जी विद हाफ स्पाइनल फाइबर, हेॾे अटैचमेंट आहे डायाड जी विद हाफ स्पाइनल फाइबर। एनाफेस वन में स्प्लिटिंग आहे त एनाफेस टू में बि स्प्लिटिंग आहे। एनाफेस वन में स्प्लिटिंग आहे बायवेलेंट जी इंटू क्रोमोसोम्स, एनाफेस टू में स्प्लिटिंग आहे डायाड जी इंटू मोनाड्स। टीलोफेस वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर रीअपियर थो थिए ऐं स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थियूं थियनि, जॾहिं त टीलोफेस टू में बि स्पाइनल फाइबर डिसअपियर थींदियूं आहिनि ऐं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर थींदो आहे। फ़र्क़ु इहो आहे त हेॾे रीअपियरेंस जेका थींदी आहे मोनाड्स जे चौधारी थींदी आहे, हेॾे रीअपियरेंस जेका थींदी आहे उहा क्रोमोसोम जे चौधारी थींदी आहे। त डियर स्टूडेंट्स, मियासिस खां पोइ असांजी लास्ट टॉपिक हूंदी मियाटिक बायोलॉजी, दैट इज़ मियाटिक एरर। यानी असां अॼु इंटर क्लास जे सतें चैप्टर जी टॉपिक पढ़ूं था मियाटिक एरर। यानी मियाटिक एरर छा खे चइबो आहे, एरर जी माना आहे ग़लती, जेका थिए मियासिस दौरान, इट इज़ कॉल्ड मियाटिक एरर। हाणे मियासिस दौरान कहिड़ी ग़लती थींदी आहे, एक्चुअली जेको मियासिस में मेटाफेस स्टेज हूंदी आहे, उन मेटाफेस स्टेज में जेको मेटाफेस वन हूंदो आहे या मेटाफेस टू स्टेज हूंदी आहे, अरेंजमेंट करण में फेल वेंदा एट इक्वेटर ड्यूरिंग मेटाफेस स्टेज ऑफ मियासिस। हाणे अगरि बायवेलेंट आहिनि त मेटाफेस वन हूंदो, अगरि डायाड जी अरेंजमेंट सही नथी थिए त इहो मेटाफेस टू हूंदो। हाणे इन जो कॉन्सिक्वेंस छा निकिरंदो आहे, ड्यू टू मियाटिक एरर देयर विल बी नॉन डिसजंक्शन। हाणे नॉन डिसजंक्शन छा हूंदो आहे, डिसजंक्शन जो न थियणु, इनखे चइबो आहे नॉन डिसजंक्शन। एक्चुअली जेको बायवेलेंट आहे उन में क्रोमोसोम जो पेयर हूंदो आहे, या डायाड में ॿ मोनाड हूंदियूं आहिनि, उहे हिक ॿिए खां अलॻि न थी सघनि पर पाण में गॾु रहनि, उन्हनि जे अलॻि न थियण वारे अमल जो नालो आहे नॉन डिसजंक्शन।
इनके असर डिफाइन किया फेल्यूअर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बाइवेलेंट ड्यू टू मियोटिक एरर इज कॉल्ड नॉन डिसजन या इनके चब फेल्यूअर एंड सेपरेशन ऑफ डायड्स फ्रॉम मोनाड सॉरी फेल्यूअर एंड सेपरेशन ऑफ मोनाड्स फ्रॉम डायड ड्यू टू मियोटिक एरर इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन द नॉन डिसजन में फेल्यूअर थी या बाइवेलेंट में क्रोमोसोम अलग थी सकता या डायड में मोनाड जो एक बे का अलग नी सन मेल के चब नॉन डिसजंक्शन हाँ नॉन डिसजंक्शन के देर विल अकर हीट्रोप्लाइडी माना हीट्रोप्लाइडी इट इज चेंज इन द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एन इंडिविजुअल कें भी जानदार में जो नॉर्मल क्रोमोसोम जो नंबर है उनमें तब्दीली अची वे इट इज कॉल्ड हीट्रोप्लाइडी हाँ हीट्रोप्लाइडी जहाँ टाइप्स जो असि किताब में उनमें एक है एन्यूप्लाइडी बी है पोलीप्लाइडी हाँ एन्यूप्लाइडी के चबो है अड़ो डिसऑर्डर जैमें डिप्लाइन नंबर का एकड़ो क्रोमोसोम घट या वध हो यानि डिप्लाइन नंबर में या एकड़ो क्रोमोसोम एड किया वे या सबट्रैक्ट किया वे इट इज कॉल्ड एन्यूप्लाइडी अड़ी एन्यूप्लाइडी जैमें एकड़ो क्रोमोसोम डिप्लाइन नंबर का वधियल होजे इनके चब ट्रायसोमी अगर डिप्लाइन नंबर का एकड़ो क्रोमोसोम खुटल है तो इनके चब मोनोसोमी तो ट्रायसोमी के असर लिखा टू एन प्लस वन मोनोसोमी के लिखा टू एन माइनस वन हाँ ऐसो पवो तो कड़ा डिसऑर्डर जो ट्रायसोमिका जो मोनोसोमिक असि किताब के मुताबिक एक डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम बो है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये बई ट्रायसोमिक इंसान में डिप्लाइन नंबर ऑफ क्रोमोसोम बराबर 46 जे पर डाउन सिंड्रोम वे इंडिविजुअल टोटल 47 क्रोमोसोम हूँ 47 क्रोमोसोम कि हूँ उन 45 ऑटोसोम हूँ अगर फीमेल आ तो सेक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स हूँ 23rd पेयर में अगर मेल आए तो उनमें ऑटोसोम 45 हूँ उनमें सेक्स क्रोमोसोम जो पेयर हों एक्स वाय तो ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम एक्चुअली इंसान में मेल हो या फीमेल ऑटोसोमल क्रोमोसोम 44 हूँ सेक्स क्रोमोसोम या एक्स एक्स हूँ फीमेल में या वरी मेल हों तो उनमें एक्स वाय हूँ पर इतने जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है वो हों 21st पेयर में मोस्टली इनहेरिट थी मदर साइड का इन जो चांस हों डाउन सिंड्रोम या मोनगोलिज्म जो 1 out of 900 बर्थ जैक 900 चिल्ड्रेन पैदा था थन उनकी बर्थ थी तो उनमें में चांस हों कॉमन हों मेल में भी तो फीमेल में भी हाँ डाउन सिंड्रोम या मोनगोलिज्म जो कुछ सिम्टम्स जो टेबल में पढ़ाते उनका बो डिसऑर्डर है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हाँ इतने जो क्रोमोसोम वधियल है वो ऑटोसोमल क्रोमोसोम 21st पेयर में तेज कर ऑटोसोमल ट्रायसोमी चब डाउन सिंड्रोम में पर क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो है यह मेल सेक्सुअल डिफेक्ट है यानी जो ह्यूमन मेल हों उनमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम हूँ 44 पर सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाय की जगह हों एक्स एक्स वाय यानी एक्स क्रोमोसोम उनमें हों इजाफी हों अगर 1000 मेल बर्थ थन तो उनमें एक में चांस हों क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो तो ही डिफेक्ट फकत कंसर्न है कैसा मेल से एकड़ो क्रोमोसोम वधियल 23rd पेयर में यानी सेक्स क्रोमोसोम में एक्स वाय की जगह एक्स एक्स क्रोमोसोम जैसे तो क्लाइनफिल्टर एंड डाउन सिंड्रोम बिन्हीं में इंडिविजुअल हूँ उन्होंने क्रोमोसोम 47 हूँ डाउन सिंड्रोम वे इंसान वे 47 क्लाइनफिल्टर वे वे 47 हेडे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 23rd पेयर में होंड़ो एक्स होडे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21st पेयर में हों लिहाजा हेडे ऑटोसोम लिखा 45 प्लस एक्स एक्स या 45 प्लस एक्स वाय ये बिन्हीं में कॉमन है मेल ए फीमेल में हेडे ऑटोसोम नॉर्मल हूँ 44 ने 22 पेयर पर 23rd पेयर में एक्स वाय की जगह एक्स एक्स वाय हों क्रोमोसोम जैसे तो मोनोसोमी लिखा 2n-1 इन जो एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम इट इज़ द फीमेल डिफेक्ट हाँ फीमेल में 44 ऑटोसोम हूँ सेक्स क्रोमोसोम हों फकत एक्स बो खुटल हों टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल वायताली में एक क्रोमोसोम कट के टोटल क्रोमोसोम हूँ 45 तो 45 क्रोमोसोम वाली फीमेल जैमें सेक्स क्रोमोसोम एक्स है पर बो मौजूद ना इट इज कॉल्ड मोनोसोमिक डिसऑर्डर कॉल्ड टर्नर सिंड्रोम इन जो चांस हों 1 out of 5000 फीमेल बर्थ अगर 5000 फीमेल की बर्थ थी तो उनमें में चांस हों कौ टर्नर सिंड्रोम जो तो यह से याद रखो तो इन टर्नर में मोर कॉमन केयर हों डाउन सिंड्रोम हूँ लीस्ट कॉमन केयर हों टर्नर सिंड्रोम छो तो 5000 बर्थ में एक में चांस है 900 बर्थ में एक में चांस है 1000 बर्थ में चांस है इन बाद में पोलीप्लाइडी पोलीप्लाइडी मोर कॉमन हूँ प्लांट्स में पोलीप्लाइडी में क्रोमोसोम एक घट वध नहीं बल्कि इंक्रीज थो एज अ मल्टीपल ऑफ एन एन आए हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाँ अगर हेप्लाइड के 2 से मल्टीप्लाई कर 2n 3 से मल्टीप्लाई कर 3n 4 से मल्टीप्लाई कर 4n तो ये टेट्रा जो हेप्लाइडी कंडीशन है ट्राइप्लाइडी है डायप्लाइडी है तो ये जो पोलीप्लाइडी जहाँ एग्जाम्पल्स हैं तो पोलीप्लाइडी जो मोर चांस कैमें हों प्लांट्स में हों इन बाद में असा चाहूँगा तो जो मियाटिक एरर है वह थे कहती उनकी डिटेल की तरफ था हलो हाँ सपोज कर ही एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जैमें टोटल क्रोमोसोम चार चार माना घना बाइवेलेंट हों
हाँ बायोवेलेंट अगर इक्वेटर से लाइनअप थियल हों कड़े फेज में मेटा फेज वन में तो इन फेज वन में वो टुटंदा हाँ एक बायोवेलेंट टुटन उन क्रोमोसोम एक पोल लेंद बो क्रोमोसोम बे पोल लेव हि बो बायोवेलेंट है उनो क्रोमोसोम एक पोल लेव बो क्रोमोसोम बे पोल लेव जैसे अपोजिट पोल से पहुंची वा इन फेज वन पूरा टीलो फेज वन में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर थी हाँ हर न्यूक्लियस में क्रोमोसोम हेप्लाइड यानी घना हूँ ब क्रोमोसोम हूँ यानी जो डिप्लाई नंबर चार हो रिड्यूस घो बो ये नॉर्मल जो है मियासिस पर जर एबनॉर्मल मियासिस थे थी तो इतने ऐसो हि बायोवेलेंट जो इक्वेटर से ना एक पोल के वेझो आ बे पोल का यो परे आ पर इतने ऐसा जो सेकंड बायोवेलेंट आ वो बिल्कुल इक्वेटर से लाइनअप थियल तो जो बायोवेलेंट इक्वेटर से लाइनअप थियल हों उनका बई मेंबर एक बे का अलग थींदा इन फेस में पर जो बायोवेलेंट इक्वेटर से लाइनअप न थियो उनमें मियाटिक एरर थी मियाटिक एरर के करे इनका बे मेंबर आन वे एक बे का अलग न थींदा पा में गड रहंदा इन सेपरेशन न थियण वाले अमल के चबा नॉन डिसजंक्शन तो नॉन डिसजंक्शन के करे एकड़ो पेयर जो पेयर ही एकड़े पोल अची वेंदो एकड़े गैमेट में एंटर थींदो बियो जो पेयर नॉर्मली अरेंज थियो आ इक्वेटर ते उन मां एकड़ो क्रोमोसोम एकड़े पोल ते वेंदो बियो क्रोमोसोम बे पोल ते हाणे सपोज कयो हेॾा वारा जेके सेल ठहिया आहिनि उहे मेल गैमेट यानी स्पर्म आहिनि जेके ही सेल ठहिया आहिनि उहे फीमेल गैमेट यानी एग आहिनि हाणे हिननि एग में क्रोमोसोम घणा हुजणु खपनि नॉर्मली इन में क्रोमोसोम हुजणु खपनि ब पर ही बायोवेलेंट जो पेयर आहे ॿ क्रोमोसोम हिन में हिकिड़ो ही टोटल क्रोमोसोम हिन में टे थी विया यानी हेप्लाई नंबर खां हिकिड़ो क्रोमोसोम इंक्रीज थी वियो जॾहिं ताईं ॿियो एग आहे जंहिंमें फ़क़ति फ़क़ति हिकिड़ो ई क्रोमोसोम आहे पर ॿियो क्रोमोसोम मौजूदु न आहे त ॿिनि जे जॻह ते हिन में हिकु क्रोमोसोम आहे त हीअ एग छा थी विया एबनॉर्मल हाणे सपोज़ कयो त स्पर्म्स नॉर्मल हुजनि हर हिक में हेप्लाई नंबर ॿ ॿ हुजे ऐं एग एबनॉर्मल हुजनि कहिड़ा हिकिड़े में क्रोमोसोम ॿिनि जे जॻह ते घणा हुजनि टे ऐं हिकिड़े में घणा हुजनि हिकु अगरि पाण में फ्यूज़ थींदा त ज़ाइगोट में चेंज अची वेंदी हाणे स्पर्म में ॿ क्रोमोसोम एग में हिकु क्रोमोसोम ॿ प्लस हिकु इज़ इक्वल घणो थी वियो टे हाणे एक्चुअली जेको नॉर्मल ज़ाइगोट हूंदो आहे उन में स्पर्म जे थ्रू बि ॿ क्रोमोसोम अचनि एग जे थ्रू ॿ क्रोमोसोम अचनि टोटल क्रोमोसोम अची वञनि चार त हिन में डिप्लाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल थी वञे छाजे इहो डिप्लाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल फोर जे थी वञे पर हिते फोर खां हिकिड़ो क्रोमोसोम घटि आहे त इनखे असां लिखंदासीं टू एन माइनस वन इट इज़ कॉल्ड मोनोसोमी पर हिते हिकिड़ो स्पर्म आहे उन में क्रोमोसोम ॿ आहिनि एग में क्रोमोसोम घणा आहिनि टे ॿ प्लस टे इक्वल टू पंज हाणे चइनि खां हिकु क्रोमोसोम वधी वियो त इनखे चइबो या ट्रायसोमी आहे इनखे लिखंदासीं टू एन प्लस वन त टू एन प्लस वन ट्रायसोमी टू एन माइनस वन छा आहे मोनोसोमी ॿिन्हिनि खे गॾे करे चवंदासीं त इहे एन्यूप्लाइड जा टाइप आहिनि ऐं एन्यूप्लाइड ख़ुदि जेको आहे उहो टाइप आहे हीट्रोप्लाइड जो हीट्रोप्लाइड छाजे करे थींदी आहे नॉन डिसजंक्शन जे करे ऐं नॉन डिसजंक्शन जेको थींदो आहे उहो छाजे करे थींदो आहे मियाटिक एरर जे करे त मियाटिक एरर जो तालुक हूंदो आहे मेटाफेज स्टेज सां पोइ चाहे मेटाफेज स्टेज वन हुजे या मेटाफेज स्टेज टू हुजे जॾहिं त नॉन डिसजंक्शन जो तालुक हूंदो आहे एनाफेज सां हाणे उहो एनाफेज वन हुजे या एनाफेज टू हुजे त हिनखे अञा असां क्लियरली लिखूं था फेल्यूअर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स फ्रॉम बायोवेलेंट आर लिखंदासीं मोनाड्स फ्रॉम अ डायाड मोनाड्स फ्रॉम अ डायाड पर कहिड़े स्टेज दौरान ड्यूरिंग एनाफेज वन स्टेज इज कॉल्ड ड्यूरिंग एनाफेज वन कहिड़ी स्टेज में एनाफेज वन में आर एनाफेज टू या एनाफेज टू में एनाफेज वन या ट्यू में डायाड मां मोनाड अलॻि न थियनि या बायोवेलेंट मां क्रोमोसोम अलॻि न थियनि इनखे चइबो नॉन डिसजंक्शन ऐं नॉन डिसजंक्शन काज़ हूंदो आहे कंहिंजो हीट्रोप्लाइड जो हीट्रोप्लाइड जा असांजी किताब जे मुताबिक़ ॿ टाइप एन्यूप्लाइड आहिनि पोलीप्लाइड एन्यूप्लाइड जा ॿ टाइप ट्रायसोमी आहिनि मोनोसोमी ट्रायसोमी जा टाइप जेके पढ़ियासीं उन मां डाउन सिंड्रोम ऐं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मोनोसोमी जो टाइप आहे टर्नर सिंड्रोम इन्हनि जी वरी असां टर्नन डिसऑर्डर जा सिम्पटम्स पढ़ंदासीं उहे सिम्पटम पढ़ी करे हिन चैप्टर खे ख़तमु कंदासीं।